स्वयं गौ माता के लिए कभी देखा नहीं, जो गौ माता की मृत्यु पर भूखे प्यासे सीएम से मिलने चल दिए, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही राजभवन के पास रोका। उनकी आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी। ऐसा प्रेम तो शायद श्री कृष्ण का ही था गौओं के प्रति, ऐसा प्रेम मिर्ची बाबा का है गाय माता के प्रति। और कदम करेंगे हम, अरे अपन चल रहे हैं। 10 कदम फिर 101 कदम 51 कदम, अब आप लोग आ गए सर, अब स्लो हो जाएंगे। अब नहीं कदम हम होगा अभी 101 कदम, अब 11 कदम पे आ गए। बोले तू आगे चल साहब के साथ। आप मुझे ये बताइए, नहीं मेरी आपकी सुन ली, आप सुन आपका संदेश चला गया, इतने सारे लोग ये आप मेरी सुनेंगे। मैं पहली बार पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े का महामंत्री, 3 दिन से अनशन कर गए कलेक्टर को सूचना नहीं। संविधान की परंपरा से आप मुझसे बात करके कह रहे हो कि समाज सेवा करें, यही कह रहे हैं आप। परमंडल गौसेना गौशाला देवरी 70, रीवा सतना नीमच, यहाँ एक संत देख के आया है और संत देखने के बाद में किसानों से भी वहाँ घास डलवाया है मैंने। इसको आप वहाँ पूछिए, ऐसे नहीं पूछिए के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद ने इसके लिए कार्य किया है कि नहीं किया है, एक नहीं पहले सुनिए। दूसरी बात, संदेश देने के बाद में भी वर्तमान मुख्यमंत्री क्या गौ माता की आवाज सुनने से इनकार करते हैं, तो ये कहें कि मैं इनकार कर रहा हूँ या मेरा संदेश नहीं पहुँचा। तीसरा, आपने मुझे कहा कि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, यह मेरा सेवक है जिसने 3 दिन से आग्रह किया है गुरु महाराज आप पानी पी लीजिए, आप कुछ खा लीजिए, लेकिन मैंने यही कहा है कि कम से कम मरती हुई गाय को ठीक से दफनाने के लिए भी अगर ये अपराध है और ये पाखंड है तो भारत का सन्यासी अपनी बलिदान ही दे करके ये पाखंड करेगा। अंग्रेज कितने इस देश में थे, अकेला जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लड़ाई लड़ी। ऐसे नहीं पूछिए कि आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद ने इसके लिए कार्य किया है कि नहीं किया, नहीं पहले सुनिए। दूसरी बात, संदेश देने के बाद में भी वर्तमान मुख्यमंत्री क्या गौ माता की आवाज सुनने से इनकार करते हैं, तो ये कहें कि मैं इनकार कर रहा हूँ या मेरा संदेश नहीं पहुँचा। तीसरा, आपने मुझे कहा कि आपके साथ बहुत सारे लोग हैं, यह मेरा सेवक है जिसने 3 दिन से आग्रह किया है कि गुरु महाराज आप पानी पी लीजिए, आप कुछ खा लीजिए, लेकिन मैंने यही कहा है कि कम से कम मरती हुई गाय को ठीक से दफनाने के लिए भी अगर ये अपराध है और ये पाखंड है तो भारत का सन्यासी अपनी बलिदान ही देकर के ये पाखंड करेगा। अंग्रेज कितने इस देश में थे, अकेला जगत गुरु शंकराचार्य जी ने लड़ाई लड़ी और आज तो मैं अकेला हूँ। भारत के सारे नागा इस चीज के लिए साथ हैं, आप इसके लिए मुझे बताइए मेरा अपराध कहाँ है। लेकिन आप भी संविधान की दृष्टि से बात करिए कि वास्तु की गौ हत्या हुई है या नहीं। देखिए अब आपकी बात हो रही है महाराज जी, मेरा इस पे डिबेट करने का बिल्कुल नहीं, नहीं तो आप मेरे को क्या बताइए, आप बताइए मुझे मेरी बात की गौ हत्या हुई है या नहीं। देखिए अब आपकी बात हो रही है महाराज जी, मेरा इस पे डिबेट करने का बिल्कुल नहीं, तो आप मेरे मुझे बताइए ना मैं क्या करूं। मैं आप बताइए जो आप कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, आप बताइए मैं क्या करूं, आप बताइए मुझे क्या स्वामी जी ये करिए। आप यही चाहते ना लोगों के बीच में आपकी आवाज जाए, बिल्कुल जाना चाहिए, आपकी आवाज जा रही है।
अब आपकी आवाज पहुंच गई है, अब ये संवैधानिक प्रक्रिया में हम चलेंगे। ये प्रतिबंधित क्षेत्र साहब, आपकी आवाज चली गई है, आपका जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया। तो अब मैं क्या करूँ, आप मुझे बताइए ना क्या करूँ, आप बताइए मुझे। पैसे भी नहीं जाने दे रही है पुलिस, तो इस वक्त स्वराज की गुलामी कर रही है। अधिकार कहाँ कर रही है पुलिस? पुलिस अधिकार करे तो सम्मान से ये कहती कि एक भारत का सन्यासी भूखा बैठा है, किसी ने संदेश नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, क्या कारण है? अगर पुलिस रोकती फिर आगे दुनिया की रोकेगी? अंग्रेज के जमाने में कितने यातनाएं सही हमारे संतों ने, आज वो यातना अगर मुझे सहना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर यह भाजपा को पाखंड दिख रहा है गौ माता के मरने पर बोलना, तो यह पाखंड भारत का सन्यासी रोज करेगा। जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता।